शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, सूर्यकांत को ठीक कर दो ईश्वर, मेरे बच्चे को ठीक कर दो। बापूजी के बिना तो जैसे हम सब जीना ही भूल गए। आपको हमारे बापूजी को ठीक करना ही होगा भगवान। बापूजी इस पूरे परिवार का आधार है भगवान, इस पूरे परिवार को बिखरने से बचा लीजिए। हमें शक्ति दो ईश्वर, क्या हम बापू जी के इलाज के लिए रुपयों की व्यवस्था कर सकें। माँ आशीर्वाद दीजिए कि मुझे अच्छी से अच्छी जॉब मिले और बापू जी का इलाज जल्दी करवा सकूं। मुझे अपनी बेटियों पर पूरा यकीन है कि वो अपने बापूजी का इलाज करवाने में जरूर कामयाब होगी। माँ आपको याद है जब भी बापूजी किसी जरूरी काम के लिए बाहर जाते थे आप उन्हें अपने हाथों से दही शक्कर खिलाती थी। और कहते हैं ना कहीं जाने से पहले दही शक्कर खाना शुभ होता है। लो ये तुम्हारे बापूजी का भी आशीर्वाद समझो। आशीर्वाद दीजिए। मेरा आशीर्वाद हमेशा मेरी बेटियों के साथ है। ईश्वर तुम्हें सफल करेगा। जिनके साथ बड़ों का प्यार हो, बड़ों का आशीर्वाद हो, उनकी तो हार कभी हो ही नहीं सकती। दुनिया की बड़ी से बड़ी मुश्किल भी उनका रास्ता नहीं रोक सकती। बापूजी आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। आपकी बेटियों का आपसे ये वादा है। आपको
ज्यादा दिनों तक इस हालत में नहीं रहने देंगे हम। आपके होठों पर वही मुस्कान वापस लेकर आएंगे बापूजी। आशीर्वाद दीजिए। लक्ष्मी, ऑल द बेस्ट। जय श्री कृष्ण। सुनिए। हाँ जी। वैकेंसीज के लिए ऑफिस। थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर, मैं लक्ष्मी गरोड़िया, जॉब के लिए। सॉरी, नो वैकेंसी। एक्सक्यूज मी मैडम, मैं लक्ष्मी गरोड़िया, जॉब के लिए आई हूँ। नो वैकेंसी मैम। एक्सक्यूज मी मैडम, मैं लक्ष्मी गरोड़िया, जॉब के लिए आई। सॉरी मैम, नो वैकेंसी। हर जगह नाकामयाबी मिल रही है, ना रास्ता दिखाई पड़ रहा है और ना ही मंजिल। कहां से इकट्ठा होंगे बाबूजी के इलाज के पैसे? Excuse me? Yes? मुझे मैनेजर साहब से मिलना था। एक मिनट। हेलो सर, आपसे कोई मिलने आए हैं। ओके, वहां आपको बुलाया है, सामने। थैंक यू। यू आर वेलकम। सर, मे आई कम इन प्लीज? यस, कम इन। हेलो सर, मेरा नाम लक्ष्मी गरोड़िया है, मैं जॉब के लिए आई हूँ। ये मेरा प्रोफाइल। ग्रेजुएशन, ओके, नो डिप्लोमा, नो एक्सपीरियंस। क्या है ये? आप मुझसे जॉब चाहती हैं? क्या है आपके पास? हार्डवर्क और ईमानदारी सर। आई एम अ क्विक लर्नर, मैं बहुत जल्दी काम सीख लूंगी। और सर, मेरे बापूजी की गारमेंट्स की फैक्ट्री थी, इसलिए मुझे फैब्रिक में और टाई एंड डाई की काफी अच्छी नॉलेज है। देखिए, बगैर वर्क एक्सपीरियंस हम किसी को नहीं रखते हैं। प्लीज डोंट माइंड सर। प्लीज सर, कैन यू प्लीज गेट आउट फ्रॉम हियर, लेट मी वर्क।
लक्ष्मी यहां? यहां कैसे? क्यों इतनी दुखी लग रही थी? क्या हुआ है यहां? Excuse me? Yes? ये मैम, ये यहाँ क्या करने आई थी? वो तो यहाँ नौकरी मांगने आई थी, शायद बॉस ने उन्हें मना कर दिया हो। नौकरी? नहीं लक्ष्मी, मैं तुम्हें ऐसे भटकने नहीं दूंगा, लेकिन मेरी हेल्प तो तुम लोगी नहीं, तो क्या करूं मैं? हाँ, मैं बिना तुम्हें बताए इनडायरेक्टली तो तुम्हारी मदद कर ही सकता हूँ। तुम्हारा हाथ भले ही छूटा है, लेकिन साथ नहीं छूटने दूंगा लक्ष्मी। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। बाय बाय बाय। हाय दुर्गा। हेलो सर। नो सर प्लीज, ओनली रणबीर। ओके ओके। वैसे मुझे पूरा यकीन था कि इस जॉब के लिए आप ही द बेस्ट हैं। गर्ल्स कितना एंजॉय कर रही हैं आपके साथ, और काफी लड़कियां ऐसी भी हैं जो आपकी तरह डांस करने का सपना भी लेने लगे। दरअसल मैं भी इन बच्चों के साथ बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं कल से यहाँ आ नहीं पाऊंगी। क्यों? कोई परेशानी है? एनी प्रॉब्लम है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो दरअसल कुछ फैमिली प्रॉब्लम है। मुझे बताइए ना, शायद मैं आपकी कोई हेल्प कर सकूं। हाँ, लेकिन आप क्यों परेशान हो? देखिए प्लीज बताइए ना, एक फ्रेंड समझ के बता दीजिए। और इस तरह हमारा सब कुछ छिन गया। बापूजी के इलाज के लिए 50 लाख रुपए चाहिए और हमारे पास कुछ भी नहीं है। मैं कुछ ऐसा काम करना चाहती हूँ जिससे मैं अपने बापूजी का इलाज करा सकूं। देखिए, आप अपनी इस परेशानी में खुद को अकेला मत समझिए, मैं आपके साथ हूँ। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके फादर की कुछ मदद कर सकूं। यहाँ के जितने भी एनजीओ में मेरी पहचान है, मैं सबसे फाइनेंशियल हेल्प लूँगा। बट एक फ्रेंड के नाते मेरी बात मानिए, ये जॉब छोड़कर मत जाइए। सिर्फ 2-4 दिन दीजिए मुझे, मैं ज़रूर कोई ना कोई रास्ता निकाल लूँगा। थैंक यू। इट्स ओके। बहुत देर हो चुकी है, अब मैं चलती हूँ। एक मिनट प्लीज, मेरी बात सुनो दुर्गा। मैं जानता हूं कि मैं तुम लोगों का गुनहगार हूं, और आज जो भी बाबूजी की हालत है मेरी वजह से हुई है। तुम, लक्ष्मी, सभी घर वाले मुझसे नाराज हैं, लेकिन मैं तुम लोगों की मदद करना चाहता हूं।
मैं बापूजी का इलाज करवाना चाहता हूँ। बापूजी का इलाज करवाना चाहता हूँ। मुझे सिर्फ एक मौका दो। देखो मैं नहीं कहता कि तुम लोग मुझे माफ कर दो, लेकिन मुझे प्रायश्चित करने का मौका तो दो। देखो दुर्गा, दुर्गा तुम तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी, उसी दोस्ती का वास्ता है तुम्हें। देखो समझने की कोशिश करो, इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है बापूजी का इलाज। उसके बाद तुम जो सजा मुझे दोगी मैं चुप करके कबूल कर लूंगा। प्लीज दुर्गा, एक मिनट, ये पैसे रख लो। एक बेटे का अपने बाप के लिए फर्ज समझ कर ही सही। देखो उनका इलाज तो शुरू होने दो, बाकी तुम जैसा कहोगी हम वैसा कर लेंगे। प्लीज क्या करूं मैं? एक तरफ बापूजी की जिंदगी है और दूसरी तरफ ये करण जो उनकी इस हालत का जिम्मेदार है। क्या करूं मैं? कुछ कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या होगा, कैसे होगा सूर्यकांत का इलाज? लक्ष्मी और क्षितिज को अभी तक नौकरी नहीं मिली। बा, आप चिंता मत कीजिए, आज नौकरी नहीं मिली तो क्या हुआ, कल कहीं ना कहीं नौकरी मिली जाएगी। पर नौकरी मिलना इतना आसान है क्या? और अगर ऐसे ही चलता रहा तो कैसे करवा पाएंगे इनका इलाज? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। दुर्गा, दुर्गा कहां से आए इतने रुपए? बताओ दुर्गा कहां से आए इतने सारे रुपए?